Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. So, dosto, aaj ka presentation hai Destiny BKC. Passcode is Destiny BKC at Bandra East by Leo Developers. So, let's begin with the presentation. तो दोस्तों ये एलिवेशन है बिल्डिंग का डेस्टिनी बीकेसी डेवलप्ड बाय लियो डेवलपर्स। ये प्रोजेक्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है और ये बांद्रा ईस्ट में है एंड द एड्रेस इज कला नगर नियर MIG क्लब। तो दोस्तों ये टावर आप देखेंगे ये करीबन 0.6 एकड़ लैंड पार्सल पे बन रहा है और यहाँ पर ग्राउंड प्लस 22 हैबिटेबल फ्लोर्स है और यहाँ पर दो विंग है ए और बी विंग विद कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2 BHK फ्लैट्स। अब इसमें दोस्तों कार पार्किंग बिल्डिंग जो है इसके बैक साइड में आएगा जो कि कुछ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग को कार पार्किंग के लिए यूज़ किया गया है। तो जो कार पार्किंग बिल्डिंग जो रहेगी वो इसके बैक साइड में रहेगी, वो करीबन कुछ ग्राउंड प्लस 9 या 10 फ्लोर तक हो सकता है, पर डेफिनेटली इट विल बी एन ऑटोमेटिक कार पार्किंग बिल्डिंग। तो इसमें काफ़ी लिमिटेड फ्लैट है, करीबन 209 फ्लैट्स है सेल के लिए, बहुत ही लिमिटेड फ्लैट है। और इसमें आप देखेंगे दिस इज लो डेंसिटी डेवलपमेंट, सोसाइटी भी है, मेंटेन करने में आगे चलकर काफ़ी ईजी रहता है और कुछ एमिनिटीज इसमें ग्राउंड फ्लोर पर दिए हुए हैं और कुछ एमिनिटीज इसमें रूफ टॉप के ऊपर दिए गए। इन अदर वे यू कैन से हैज अ गेटेड कम्युनिटी लिविंग। So plenty of car parking has been given in this complex. Everybody gets a car parking in this building. And the layout is very well planned. जो 1 BHK और 2 BHK का जो planning है it is very well planned. Building के अंदर जो आप देखेंगे cross ventilation जो है वो काफ़ी बढ़िया cross ventilation है और दूसरा French cut windows दिया हुआ है, तो French cut windows होने से आपको bright light और cross ventilation भी बढ़िया मिलता है flat के अंदर। सेकेंडली इस बिल्डिंग से हायर फ्लोर से आपको अरेबियन सी का व्यू मिलता है। तो USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो 2 मिनट यहां से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, 7 मिनट्स टू बांद्रा रेलवे स्टेशन, 9 मिनट्स टू धीरूभाई अंबानी स्कूल एंड 10 मिनट्स टू सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड एंड 16 मिनट्स टू छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों इस लोकेशन से बांद्रा ईस्ट कलानगर से आप कोई भी मुंबई के कोई भी लोकेशन पर आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो बाय रेल बाय मेट्रो। मेट्रो तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, विद इन 2 ईयर्स ऑल ओवर मुंबई मेट्रो कनेक्ट हो जाएगा। अब कुछ पार्ट्स मेट्रोज के ऑलरेडी चल रहे हैं मुंबई में, लेकिन जो 80% जो मेट्रो का काम जो बाकी है वो अगले 2 साल में सारे मेट्रो लाइन्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही मेट्रो लाइंस कनेक्ट हो जाता है तो कलानगर से आप कोई भी लोकेशन पे मुंबई के सेंट्रल साइड या वेस्टर्न साइड या तो साउथ मुंबई अगर आपको ट्रैवल करना है तो मेट्रो से आप इजीली आप ट्रैवल कर सकते हो। अदरवाइज बाय रोड से भी आप ट्रैवल कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे कॉरिडोर्स बहुत सारे ब्रिजेस कनेक्ट हो रहा है, आप बाय रोड भी ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा मुंबई से कोस्टल रोड जो बन रहा है जो कि बांद्रा तक फर्स्ट फेज कनेक्ट होगा नरीमन पॉइंट से, उसके बाद फेज 2 जो कनेक्ट होगा वो बांद्रा से वर्सोवा अंधेरी तक कनेक्ट होगा, उसके बाद 3rd फेज जो कनेक्ट होगा वो अंधेरी से बोरीवली और फर्दर ऑन कनेक्ट होगा। तो अगेन अगर आपको कोस्टल रोड से अगर ट्रैवल करना है, कोस्टल रोड का मज़ा लेना अगर, तो आप इस लोकेलिटी से इस प्रोजेक्ट से आप कोई भी लोकेशन पर आप ईजली आप जा सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब लोकेशन मैप आप देखेंगे तो ये यहाँ ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आप सांता क्रूज से टूवर्ड्स बांद्रा आते हैं तो बांद्रा आने से पहले यहाँ पर एक कलानगर का सिग्नल आता है, यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हो, अगर आप सांता क्रूज से आते हो आप लेफ्ट लेते हो तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर आते हो यहाँ पर इस तरफ। तो प्रोजेक्ट का लैंडमार्क है इट्स नियर MIG क्लब एट कलानगर। या तो थोड़ा सा आप आगे आते हो तो यहाँ से एक लेन जो है वो साइन के लिए जाता है और दूसरा एक BKC के लिए जाता है। तो BKC के जाने से पहला यहाँ से अगेन यहाँ पर आपको एक रास्ता छोटा सा मिलता है जो कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टली जा सकते हो। तो अगर आप साउथ मुंबई से अगर आप आते हो तो यहाँ पर जो बांद्रा का ब्रिज है फ्लाईओवर है और इसके सामने कोर्ट है, वहाँ से आपको नीचे से इस नैरो रोड के ऊपर से अंदर की तरफ जाना है। आप GPS में जब डेस्टिनी BKC डालोगे तो ऑटोमेटिक आप प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाओगे।
दूसरा आप बांद्रा रेलवे स्टेशन से अगर आप आना चाहते हो तो बांद्रा ईस्ट आपको उतरना है और यहाँ से ऑटो से आपको हार्डली आपको 20 रुपया 21 रुपये ऑटो वाला लेगा इस प्रोजेक्ट लगाने के लिए। तो बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है इन मुंबई में, ये पीछे का एरिया आप देख रहे हैं, ये सारा वेस्टर्न बेल्ट है। फिर इस तरफ BKC से इस तरफ आप आएंगे तो इस तरफ का जो एरिया ये सारा सेंट्रल बेल्ट है और नीचे की तरफ आप देखेंगे ये फिर टूवर्ड साउथ मुंबई की तरफ जाता है। और ये जो वाइड रोड आप देख रहे हैं ये वर्ली सीलिंग है। तो USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे कनेक्टिविटी वाइज, तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 300 मीटर पर है, बांद्रा रेलवे स्टेशन 1.5 किलोमीटर, बांद्रा वर्ली सीलिंग 3 किलोमीटर, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 6 किलोमीटर, डोमेस्टिक एयरपोर्ट 4.5 किलोमीटर। अगर एजुकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो चेतना कॉलेज 350 मीटर्स, ग्रीन स्प्राउट्स प्री स्कूल इज 550 मीटर्स, IES जूनियर कॉलेज इज 950 मीटर्स, IES न्यू इंग्लिश प्राइमरी स्कूल इज 1 किलोमीटर एंड एसेंट इंटरनेशनल स्कूल इज 1.1 किलोमीटर। एंड हॉस्पिटल वाइज अगर आप देखेंगे तो गुरु नानक हॉस्पिटल 600 मीटर्स, लाइफलाइन हॉस्पिटल 800 मीटर्स, एशियन हार्ट हॉस्पिटल 2.4 किलोमीटर, SL रहीजा हॉस्पिटल 2.9 किलोमीटर एंड PD हिंदुजा हॉस्पिटल 4.5 किलोमीटर। एंड लीजर वाइज जियो वर्ल्ड ड्राइव इज 600 मीटर्स, हाई लाइफ मॉल इज 800 मीटर्स, चेफ प्लेटर्स इज 2.4 किलोमीटर, फ्लेवर्स ऑफ चाइना 2.9 किलोमीटर एंड हिचकी इज 4.5 किलोमीटर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखेंगे तो बांद्रा वर्ली सीलिंग इसके काफी नजदीक है और भी कोस्टल रोड जो है वो सारे मुंबई में कनेक्ट हो रहा है, तो कोस्टल रोड काफी नजदीक होगा अगर आपको कोस्टल रोड से ट्रैवल करना है तो। सेकेंडली सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड का और एक्सटेंशन आगे बन रहा है, जो कि इसका भी बेनिफिट अगर किसी को चेंबूर तक अगर वाया सांता क्रूज लिंक रोड से अगर जाना है चेंबूर तक तो उसका बेनिफिट भी इस प्रोजेक्ट से आपको मिल सकता है। बुलेट ट्रेन का फर्स्ट स्टॉप जो शुरू होगा वो बांद्रा ईस्ट टर्मिनस से शुरू होगा, जो कि इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक होगा। तो अगर किसी को आउट ऑफ मुंबई अगर जाना है, अहमदाबाद की तरफ जाना है बुलेट ट्रेन से, या यहाँ से बुलेट ट्रेन से थाने तक भी अगर जाना है, विद इन 5 मिनट्स आपको थाना पहुँचना है यहाँ से, तो आप बुलेट ट्रेन से आप थाना या विरार, क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो फर्स्ट स्टॉप रहेगा वो थाने रहेगा, थाने गोरबंदर रोड की तरफ रहेगा, और उसके बाद जो सेकेंड स्टॉप रहेगा वो विरार रहेगा। तो अगर किसी को अगर बुलेट ट्रेन से विरार तक भी विद इन 10 मिनट्स अगर पहुंचना है तो आप बुलेट ट्रेन से विरार तक विद इन 10 मिनट्स आप पहुंच सकते हो। मेट्रो लाइन 13 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मेट्रो लाइन 13 ये चलेगी आरे से और सीप से होते हुए, कला नगर से होते हुए ये साउथ मुंबई की तरफ जाएगी। तो अगेन ये मेट्रो लाइन 13 जो है वो कला नगर से चलेगी, जो कि इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक रहेगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अगेन दिस इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि सीवरी से न्यू मुंबई कनेक्ट होगा चिरले विलेज के लिए। किसी को न्यू मुंबई एयरपोर्ट जाना है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 साल में एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी को यहाँ से इस लोकेशन से न्यू मुंबई एयरपोर्ट जाना है तो सीवरी ट्रांस हार्बर लिंक से जा सकते हैं, और अदरवाइज भी अगर किसी को शॉर्टकट अगर यहाँ से ट्रांस हार्बर लिंक से अगर किसी को लोनावाला या पुणे या गोवा के तरफ जाना है तो लेफ्ट राइट आप कहीं पर भी ट्रांस हार्बर लिंक से आप जा सकते हो। तो ये ट्रांस हार्बर लिंक अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अगले 2 साल तक ये रेडी हो जाएगा। तो दूसरे बहुत सारे एमिनिटीज इसमें दिए हुए हैं, स्विमिंग पूल है, बारबेक्यू है, किड्स प्ले एरिया, फुली इक्विप्ड जिम, कुछ एमिनिटीज टेरेस के ऊपर दिया है, इंडोर गेम्स है और फुल्ली ऑटोमेटिक पार्किंग टावर दिया हुआ है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट का नाम है पासकोट डेस्टिनी BKC बाय लियो डेवलपर, और इसका एक्चुअल फ्लोर प्लान मेरे पास आया नहीं है, वो एक्चुअल लॉन्च होगा 13 तारीख के आसपास, पर इसका डायमेंशन जो है 1 BHK इज 422 कारपेट एरिया, जो कि प्राइस शुरू होता है 1.48 CR से, और 2 BHK है वो 622 कारपेट एरिया है और प्राइस शुरू होता है 2.18 CR से। और दोस्तों फाइनली पोजीशन इस बिल्डिंग का जो है वो मैक्सिमम 3.5 साल में पोजीशन है, और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।